विदिशा के ग्राम पंचायत पठारी में सदगुरु सेवा ट्रस्ट आनंदपुर एवं ग्राम पंचायत के तत्वाधान में निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन ग्राम पंचायत भवन में किया गया, जिसका शुभारंभ सरपंच प्रतिनिधि अखिलेश पंथी ने किया, जिसमें 280 मरीजों की जांच की गई, जिसमें 75 मरीजों को चश्मा एवं 38 मरीजों को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। शिविर में सदगुरु सेवा ट्रस्ट आनंदपुर से आए डॉक्टर सुनील यादव, डॉक्टर लखन शर्मा, देवेंद्र योगी, रणधीर सिंह, पवन बोई, नीलम जाधौन, समाज सेवी सुनील पिगले, आकाश शर्मा की टीम ने मरीजों के आंखों का परीक्षण किया, जिनमें 38 मरीजों को मोतियाबिंद की शिकायत पाई गई, जिन्हें ऑपरेशन हेतु आनंदपुर ले जाया गया। एक अन्य रोगियों को परीक्षण अनुसार दवा एवं चश्मे वितरित किए गए। इस दौरान कैंप को पठारी क्षेत्र में सर्वप्रथम आनंदपुर ट्रस्ट को लाने वाले स्वर्गीय कदीर खां मौलाना के परिवार जनों का साल श्रीफल से सम्मान किया गया। सरपंच प्रतिनिधि अखिलेश पंथी, उप सरपंच प्रतिनिधि सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।